स्वागत है आपका स्टार सवेर न्यूज में और मैं हूं पिंकी ढिल्लों आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हमारे आज के खास कार्यक्रम 24 हिट की, जिसमें 24 घंटों की 24 बड़ी खबरें लेकर आते हैं आप तक। कर्नाटक के मंत्री के घर आईटी ने की छापेमारी, तो कुमार स्वामी बोले ये है पीएम मोदी की असली सर्जिकल स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, इस साल अब तक 65 आतंकी ढेर। 28 मार्च इन हिस्ट्री, कपिल देव का रिकॉर्ड टूटा, साइना नेहवाल बनी विश्व की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी। ओवैसी गए जेल, हैदराबाद में तनाव। शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, ज्वाइनिंग की टली तारीख। चुनाव से पहले बोले नितिन गडकरी, मेरे पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का समर्थन, नहीं करूंगा किसी पार्टी की आलोचना। नवजोत सिंह सिद्धू का पीएम मोदी पर निशाना, अंतरिक्ष में मत घुमाओ, जमीन पे वापस आओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में कहा, आपको सबूत चाहिए या सपूत चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म राम की जन्मभूमि की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर तत्काल सुनाई से किया इनकार। अपनी लय बरकरार रखना चाहता हूँ, बोले राणा। बीजेपी ऑफिस में भोजपुरी स्टार निरहुआ को नहीं तो ट्विटर पर उड़ा मजाक। स्वरा भास्कर ने बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या को ट्विटर पर दिया जवाब, लिखा पढ़ लिख लो संघियों। बॉलीवुड एक्टर KRK ने बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर कसा तंज, लिखा लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले। सैमसंग गैलेक्सी A2 कोर के स्पेसिफिकेशन लीक, रविवार को बैंक में कर सकेंगे लेन देन RBI। अडवाणी का टिकट काटने पर पीएम मोदी और अमित शाह पर शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना, बोले भगवान आपको माफ करे। राहुल गांधी पर ममता बनर्जी का पलटवार, कहा वह अभी बच्चे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता लड्डुओं से करना चाहते थे वजन, तराजू देख प्रियंका गांधी बोली, क्या मैं 1 क्विंटल से ज्यादा की लगती हूँ। OBC सम्मेलन में बोले राहुल गांधी, न्याय का वादा पूरा करूंगा। आमिर खान ने कहा आयोग कुछ ऐसा करे कि बाहर रहने वाले हिंदुस्तानी भी डाल सके वोट। जयप्रदा को लेकर सपा नेता फिरोज खान का विवादित बयान, कहा अब शामें रंगीन हो जाएंगी रामपुर वालों की। US ने मसूद का नाम काली सूची में डालने के लिए UNSC में पेश किया प्रस्ताव, चीन को चेतावनी। बालाकोट में एक मुर्गी तक नहीं मारी गई, और बात करते 300 आतंकियों की मौत की, बोले फारूक। सपा का स, रालोद का रा, बसपा का ब, मतलब शराब, बोले पीएम मोदी। आज की खबरों के लिए सिर्फ इतना ही, आगे की और खबरें और न्यू अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार सेवर न्यूज़। धन्यवाद।